नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर के साथ राजकुमार राव जैसे दमदार कलाकार की फिल्म फन्ने खान आज रिलीज हो गई है और इस फिल्म का रिव्यू भी आ गया है, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम अपने दर्शकों को इस फिल्म का रिव्यू दे दे, ताकि उनको इस फिल्म को देखने से पहले आसानी हो कि वो इस फिल्म को देखना चाहते हैं या फिर नहीं। बता दें, फिल्म में दिव्या दत्ता और पीहू भी मौजूद है। डायरेक्शन अतुल मांजरेकर का है। इस म्यूजिकल ड्रामा वाली फिल्म में संगीत दिया है तनिष्क बागची ने और अमित त्रिवेदी ने। कहानी बाप और बेटी के सपनों पर आधारित है। पिता का किरदार अनिल कपूर ने निभाया है। कहानी की बात करें तो अनिल कपूर ने फन्ने खान का किरदार अदा किया है। वो झुग्गी में रहते हैं। फन्ने खान मोहम्मद रफी की तरह मशहूर सिंगर बनना चाहते थे, हालात ने ये होने नहीं दिया। अब पत्नी दिव्या दत्ता की मदद से बेटी को लता मंगेशकर की तरह मशहूर सिंगर बनाना चाहते हैं। बेटी की आवाज मधुर है लेकिन उसका वजन काफी ज्यादा है, इसकी वजह से उसे ताने सुनने मिलते हैं। ऐश्वर्या राय एक मशहूर पॉप सिंगर के किरदार में है। बता दें, ऐश्वर्या इस फिल्म में बेबी सिंह सिंगर के रोल को अदा कर रही है। अनिल बेटी को सिंगर बनाने का सपना पूरा करने के लिए दोस्त राजकुमार राव की मदद से ऐश्वर्या को किडनैप करते हैं। इसी दौरान राजकुमार और ऐश्वर्या में प्यार हो जाता है। आगे की कहानी में बताया गया है कि एक बाप हालात से जूझते हुए कैसे बेटी को सिंगर बनाने का सपना पूरा करेगा। फिल्म की कहानी इमोशनल है लेकिन बीच बीच में आपको फन्ने खान की कहानी हंसाती हुई भी दिखाई देगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो फन्ने खान की कहानी जरा हटकर है और इस फिल्म को क्रिटिक्स भी अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, तो यानी कि इस हफ्ते आप इस फिल्म को सिनेमा घरों में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।